क्या बताया तुमने? कि मशीनें वगैरह ऑप्शन वगैरह दे रहे हैं हमारे को, हमारे अमेरिका से हमारे दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने कुछ मशीनें भेजी हैं, मेडिकल मशीनें जो हम भेज रहे हैं अस्पतालों में ताकि उनकी मदद हो। अच्छा, ये हम कर रहे हैं। ना करो पता क्या, वो ब्लाइंड स्कूल में जो बच्चों का करना है उसका फोन नंबर भी है उनको, उनको पूछो कि कहाँ भेजना, कौन क्यों भेजना, क्या करना है। कहते 2000 से इनकी आंखें ठीक हो जाए, किसी एक एक बच्चे को करो मदद। हाँ तो करेंगे, हम तो करते तो हैं। आप भी करो, और अभी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह भेजे हैं ना, वो भी भेजे ना हॉस्पिटल्स वगैरह में लोगों की मदद करने के लिए। वो भी है मगर वो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो छोटे हैं जिनको, जो ब्लाइंड बच्चे हैं गोदी में उठाते हैं उनको, एड लिखी ना, तो वो करेंगे उनको 2000 रूपये में उनकी आंख। हाँ, वो आपने टीवी भी देखा हो। हाँ, मैं उस दिन भी कहा, इसको भी रोज कहती हूँ मैं, अब किसको कहूँ आपसे आगे। नहीं, अभी क्या है ना, कुछ जगह पे मम्मी वो लोग आने नहीं देते, कुछ चैरिटीज वगैरह में वो बोलते हैं कि आप नहीं आओ। मैंने पता किया मत आओ, मगर पैसे जब वो मांगते हैं तो कहाँ भेजना है वो मैं पता करके आपको बता दूँ। पैसे कहाँ भेजना, हम आप क्यों जाओगे, मैं क्यों जाऊँ, वो कहें कहाँ भेजे तो हम वहाँ भेज देंगे। देखिए 80 बच्चे हैं, एक एक की मदद करोगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे हैं, उनको कहते वो टार्च उसे फिर ऐसे देखते हैं सोनी पर। चलो अभी तो फिलहाल ये काम शुरू किया हमने, ये भी करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका इसका सबके लिए है ना। इसका हमने नाम रखा है प्रोजेक्ट हील इंडिया। बोलो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हील, अरे हील तो बोलो, हील फिर देखो उसको यहाँ क्या मत कर, अच्छा बेइज्जती मत करा कर। अरे बोल, बेइज्जती क्या बात है इसमें, बोलो क्या? हील, बोलो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हील, हील इंडिया, इंडिया मतलब भारत वर्ष में लोगों की तबीयत ठीक हो ये, इस दवाई वगैरह से, इस मशीनों वगैरह से। हील का मतलब होता है ठीक होना, ठीक हील, हाँ उसका प्रोजेक्ट है। इसमें क्या आप सोच रहे हो, इतना सोच के बोलना है। क्यों हंस रहे भाई, मेरी माँ से मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बोला आपने, है ना, क्या वेरी नाइस, है ना, करेक्ट। आप बोल के बताओ जी, प्रोजेक्ट हील इंडिया, प्रोजेक्ट हील इंडिया। हाँ, पहले तो तू कपड़े पहन लिया कर यार। हाँ, मैं भी ऐसे ही था, ये मेरी एक भी नहीं सुनता, कहता तू मुझे बहुत तंग करती है। मैं आप बिट्टू को कहूँ, पूछो क्या तंग करती है, क्या तंग करती है, पूछो आप इसको, या अचानक बात चली ना, पूछो क्या तंग करती, क्या तंग करती है। ये मैं कहती ऐसे मत बैठ, ऐसे मत बैठ। हाँ, तो क्या निकाल, बुरा बुरी बात है। हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा था बुद्धू की तरह तो बैठता है, मैंने बुद्धू की तरह। हाँ, ऐसे मैंने कहा तेरी माँ बुद्धी है, वो नहीं बैठती, वो भी ऐसे बैठ। अच्छा, बुद्धि की तरह, मतलब नॉट बुद्धू, तो माँ देखो करो। मैंने कहा सीधा बैठ, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मुझे बहुत तंग करती। अभी बिट्टू को मैंने कहा बिट्टू नहीं करेगा, मैं उसे डरती हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो किसी से नहीं डरती, एक एक माँ जी से डरती हूँ बस, भगवान जी से भी, भगवान जी से भी, भगवान से भी नहीं, मेरी माँ है वो भी ठाकुर जी। अच्छा, मैंने कहा मैं बाबा क्यों देखती, एक एक लफ्ज उनके है। भाई तू क्यों नहीं, क्यों बैठते बुड्ढो की तरह, क्यों बैठते, पूछो इसको, दो दो गद्दे रखे ऐसे आने। मैंने कहा मैं गोल लाऊंगी जैसे बैठे उस पर, बड़ा आराम से बैठे, नहीं यही है, पूछो। अब ये तंग करता है कि मैं तंग करती हूँ, ये तंग करता है, ये तंग करता, ये तंग करता है, मुझे नहीं अच्छा था इसका बैठना ऐसा, पोस्चर चेंज करा कर भाई। और राणा सांगा है, जहाँ करता वहाँ खून आता है। मैं राणा सांगा अभी आया, बड़े दिनों बाद राणा सांगा की याद आई, तो रोज कहती तेरा भाई ठीक है, राणा सांगा लाया खून तूने, देख देख सुबह का है ये, ये क्या करता है यार, पता नहीं, मैं बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, माँ को बुरा लगेगा, पता नहीं क्या सा है ये। राणा सांगा के 80 घाव थे, तेरे को मैं हमेशा बोला, नाम इसका रखा है, मैंने रखा था इसका नाम जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे नाचे थे, आया राणा सांगा। हाँ, इसको चोटें लगती रहती थी ना, चोटें लगती रहती, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, तरफ से चटा था, मानता नहीं था, पत्थर गिर, एक तो पत्थर गया यहाँ इसको, कील कील कील, ये गया था, कील कील, हाँ कील, हाँ उसको हील होने में टाइम लगा, ये पता नहीं क्या चीज था, भगवान ही जाने उसको। चलो ठीक है, चलो भैया भाई ऐसे मत बैठा कर, ठीक है, मगर भगवान की दया से इसके बच्चे ठीक है, बच्चे मगर ये काम करता है।
बच्चे कह रहे तू मुझे मैं आप बिट्टू को कहूंगा। मैंने कहा जा बट बिट्टे के बाप को बोल, मैं डरती किसी से नहीं। मैंने कहा मैं क्या करती हूँ तुझे तांग, मैं उसको पता है मेरी माँ कैसी है, मैं ये तांग किसी को नहीं करती, मैं किसी को नहीं तांग करती, वो जो किसी को तांग करता उसको प्रभु करता है, नहीं तो मैं टांग गाड़ी से कैसे निकली, इंसान की अच्छाई होती है, मैं किसी के लिए बुरा किसी के लिए नहीं, आज उम्र तक मैं किसी के लिए बुरा नहीं, मैं दुआई देती रहती दुनिया को फिर तुम लोगों को। आज तो तेरी झंड हो गई भाई, मैं चुप बैठा हूँ, बोलेगा सच्ची बात, सच्ची बोलता है ना ये, परसों यहाँ ही कहा सर तुम मुझे बहुत ही तंग करती है, आपको बोला परसों दो चार दिन हो गए, अच्छा कि मेरे को बहुत तंग करते हो, मैंने मैं बिट्टू को कहा, मैंने कहा वो क्या करेगा मुझे, हाँ वो क्या है, कौन है मैं, वो क्या है, वो क्या करेगा मुझे, मैं क्या, और मैं उसको पूछूंगी क्या तंग करती हूँ, बताओ आप बताओ आप, मैंने खुद ही कहा, मैंने इनको कहा था, इन्होंने उल्टा कर दिया मेरे पे, ये इसको अलाउड नहीं है नीचे झुकना, अलाउड नहीं है नीचे झुकना, क्योंकि टांग में रॉड है, क्योंकि टांग में रॉड है, नहीं पीछे प्लस पीठ का प्रॉब्लम है, पीठ का, तो मैं इनको मना करता रहा कि भैया आपको झुकना नहीं है, झुकना नहीं, बार बार बोलता हूँ, तो बोल दिया नहीं ये झुकने से कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा मैं भाई को बता दूंगा कि मेरा कहना नहीं मानती, ये मैंने कहा है इनको, ये मम्मी ये तो गलत स्टोरी है, आपने गलत स्टोरी सुनाई, मेरे को गलत स्टोरी सुना रही है, कहते तो मुझे टांग करती, देखो आप कोई चीज गिरा हो बेटा उठाना तो है ना, नहीं बट अगर उठाने से पीठ में दर्द हो जाएगी तो फिर बताया मैंने, मैं इसकी जगह बैठी मुझे वहां भी ताकत पीठ में दर्द होता है, दर्द होता है ना, इसलिए मना करता हूँ, वो हंस रहे दोनों, बोथ आर कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर, दोनों हंस रहे हैं, मगर आपने आधे पॉइंट पे इनको आज थोड़ा सा वो किया, उसका थोड़ा सा पॉइंट उसका भी सही है, नहीं नहीं ठीक है, मैंने बोतलें निकाली थैली से, वो सोई थी तो मैंने निकाली, मैं तो बड़ा कथित है, मैं दिल से कहती मैं इसको बहुत मदद कर रही हूँ माँ को, मगर नहीं कर सकती हूँ, ये बात सही है, मेरे पीठ में ना झुक नहीं सकती, नहीं झुक सकती तो मत झुका करो ना चलो जितना मैं, चलो कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट हील इंडिया, प्रोजेक्ट हील इंडिया, बस वेरी गुड, सबको प्यार दो, सबको दुआएं दो, सब जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब फिर तमको सुबह उठ के मैं भगवान से सब दुनिया संसार को जितने जहां जो है उसको भगवान भला कर, फिर मैंने टाइटन जिग्रेंट कर पाला, मैंने बाद में बच्चों को हमारे फिर मेरे बच्चों को था जो बचेगा उनकी किसी के प्यार के खातिर उनका भी नजर अच्छी रखना, चलो वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग, वेल सर, वेल सर, वेल सर, माता वेल सर, थैंक यू।